आप देख रहे हैं NXT। आप सबको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अमृतसर में जन्मे पले बड़े पुनीत वैद जी, जो आज के उभरते हुए सितारे हैं फिल्म लाइन के, उन्होंने अपनी उड़ान अमृतसर से शुरू करके बॉम्बे तक लैंड कर ली है और आजकल वो बॉलीवुड में बहुत ही धूमधाम से अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो आइए आज मिलते हैं हमारे ही अपने पुनीत वैद जी से। तो कैसे आपका बॉम्बे जाना हुआ अमृतसर से? जैसे मैं पास्ट में मैं छोटी मोटी एक्टिविटी करता रहता था एक्टिंग की, एक क्रेज़ था मेरे को, जैसे कोई भी एक्ट कर रहा है टीवी पे, मूवी देख रहा हूँ, जैसे उसने एक डायलॉग बोल दिया तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता था कि इस हीरो ने, इसको डायलॉग ने इस तरह से बात कर रहा है, मैं किस तरह से उसकी बात करूँगा। अधिराज? कौन अधिराज जी? कोई नहीं भाई साहब, और कोई हमारी गाड़ी का पीछा नहीं कर रहा, हो सकता है वो लोग जल्दी में हो, है ना? आप अपना पूरा ध्यान रोड पे रखिए और गाड़ी तेज चलाइए, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है पक्का वो लोग हमारी गाड़ी के पीछे आ रहे हैं। पुनीत जी, आपकी ये जो आप जितने ऊंचे आप बढ़ रहे हो, पर आपकी रूट्स मैं देख रही हूँ वैसे ही है, और आपका जो लगाव है समाज के लिए करने के लिए, उसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि थोड़ी देर के लिए आए फिर भी आपने अपना सोशल वर्क। मेरा काम ये है कि अगर मैं एक्टिंग में घुसा हूँ तो मैं प्रॉपर घुसूँगा, और फिर बार बार वही बात आती है, मैं अपने अमृतसर का नाम रोशन करूँगा। मैं अपने अमृतसर को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं लकी समझता हूँ कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ। उसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ही घिनौनी हरकत करी है ये चीज़ करके, और मैं अपने आप को इतना कोसता हूँ अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपको अब बुरा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली वो जो चाहते थे कि आपकी बीवी ऐसी बने और वैसी सारी चीजें करें जो आप चाहते थे, वो तो वो कर रही हैं, फिर भी अब आपको प्रॉब्लम है उनसे, जबकि वो सारी चीजें जो नहीं करना चाहती थी आपकी वजह से करने लगी और एंजॉय कर रही है उन चीजों को, आपको भी एंजॉय करना चाहिए। अब उसने मुझसे पूछा और मैं बताना भी चाहूंगा, मेरे दिल में भी था ये, आपने पूछ ही लिया। आजकल के बच्चे जो हैं एक्टिंग करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं स्टार बनूं, स्टार बनना बहुत दूर की बात है। मैं मेरी थिंकिंग है, मैं गलत हूँ सही हूँ, आप सब लोग गाइड मुझे बताते हैं, सब लोग सही बताएंगे। मैम क्या है, अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है, बात वही आती है पहले वाले की, वो काम करो जो हमें करना है। अभी क्या होता है, एक बच्चा जब 18 साल का होता है, उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा तू क्या करेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, वो डॉक्टरी के घुस जाता है, बोला हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, वो क्या करता है साल दो साल तीन साल डॉक्टरी में लगाता है, उसको लगता है मैंने कुछ नहीं किया, वो छोड़ के किसी और लाइन में घुस जाता है, साल वहाँ लगाता है फिर किसी और लाइन में घुस जाता है, तो क्या होता है उसका फ्यूचर खराब। था मैं तो मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम है, नर्वस हो गया हूँ मैं, और इसी कारण मेरे से एंजॉय नहीं हो पा रहा। लेकिन जब मैंने पार्टनर चेंज करे 3-4 बार, मैंने देखा कि ये बहुत घिनौना काम है, अपने आप से शर्म आने लग गई मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं चाहिए। और दूसरी साइड मेरी वाइफ, उसको तो जैसे सब कुछ मिल गया, वो इतनी खुश, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे एक बच्चे को बोलते हैं कि बेटा हमने घूमने जाना है, तो वो बच्चा रेडी होता है। अभी जस्ट मैं बात करता था, उठती थी, मेकअप करने बैठ जाती थी और सबसे पहले जाने का तैयार, बताओ कहाँ जाना है। उन सारे पार्टनर्स को जिनके साथ आपने एक्सपीरियंस किया, उनको आप जानते थे? मैम वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की वाइफ थी। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि आपने उनके साथ एंजॉय नहीं किया तो आप इस ग्रुप को या इस चीज को छोड़ देना चाहते हो, और आपने एक तय कर लिया भैया ये चीज तो खराब है, क्योंकि आई डिडंट एंजॉय इट, माय वाइफ इज एंजॉयिंग इट, तो बस खत्म कर देना चाहिए उसने नहीं एंजॉय करना चाहिए क्योंकि मैंने नहीं एंजॉय किया। मैम ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा कि सबसे मैं आप हमेशा स्पेशली अमृतसर वालों के साथ खड़ा हूँ, अमृतसर नहीं कहीं से भी कॉल करें, लेकिन आर्टिस्ट वो चाहिए जो अच्छा काम करे, ये नहीं है कि हाँ एक दो मूवी में काम कर लिया उसके बाद। कई बंदे देखे हैं कि बोलते हैं हाँ भाई हम तो बन गए स्टार, हम ये हैं हम वो हैं, काम करें पूरा। घर छोड़ना, जैसे आपने पूछा, घर छोड़ना आसान नहीं है, किसी माँ से पूछो कलेजा दुखता है, मेरी माँ का भी कलेजा दुखा था, मेरे बाप भी रोए थे, पिताजी ने मुझे बड़े फ़ोन किया बेटा तो क्या कर, मैंने बोला मैंने करना है तो करना है, एक्टिंग करना है, पैसा मैटर रखता है और पैसा मैटर नहीं रखता, इसका जवाब आपको मैं दूंगा, क्योंकि जब मैं मुंबई गया था मैं। तो जैसे कि आपने पुनीत जी अभी अपना सफ़र बताया गुरु नगरी से माया नगरी का, बिल्कुल, तो हम चाहते हैं जो आपने अपनी फ्लाइट गुरु नगरी से माया नगरी की पकड़ी है, वो आगे क्या आप अपना हॉलीवुड तक भी जाना चाहते हैं? मैम मुझे ये नहीं पता कि मैं हॉलीवुड तक जाता हूँ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं
आने वाली जनरेशन को जरूर दे दूँगा, और आने वाले टाइम में मैं अपने अकेडमी भी खोलूँगा यहाँ पे, और उसमें बच्चों को प्रॉपर गाइड करूँगा कि वहाँ पे वेयर कैसे करें, किस तरह से रहें। अगर आपके पास पैसे हैं तो कितने पैसे लेके जाएं, ज़्यादा पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे कितने कम, ताकि आपका खर्चा भी चल सके, खाना भी खा सकें। क्योंकि अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खाओगे तो भाई आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, अगर सेहत ठीक नहीं रहेगी तो काम नहीं करोगे। शूट पर 24 घंटे काम करना पड़ता है और वो करना सच्चाई है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, अगर मेरा नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हाँ जी प्लीज़, बिल्कुल 9876376366। कोई भी हेल्प चाहिए आपको प्रॉपर मिलेगी। थैंक यू पुनीत जी हमारे शो में आने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम थैंक यू निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे व्यूअर्स, देखा आपने, पुनीत जी एक अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं है, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और इसी के साथ ही आप सबका ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।